सो गाइस, मूवी के शुरुआत में हमें डेविड नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो कि वो कार के पास खड़ा है, उस आदमी को ड्रग्स देने जाता है और फिर डेविड उससे अपने पैसे मांगता है तो वो आदमी डेविड को पैसे नहीं देता है। इसी कारण से उस आदमी और डेविड के बीच में काफी खतरनाक फाइट हो जाती है और फिर डेविड किसी तरह से उस आदमी को मार देता है। तभी वहां पर पुलिस को आते देख डेविड उस ड्रग्स के बैग को लेकर भागने लगता है क्योंकि पुलिस उसे ये सब करते हुए देख चुकी थी। उसके बाद डेविड भागते भागते एक पुलिस स्टेशन के पास जाकर रुकता है। उस वक्त वहां पर वो विजय सलगांवकर को हाथ में पावड़ा लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हुए देखता है और आज का दिन 2 अक्टूबर 2014 का है, यानी कि आज के दिन ही सैम की बॉडी को विजय ने पुलिस स्टेशन में दफनाया था। लेकिन यह रहस्य केवल विजय को ही पता है, पर अब हमें पता चलता है कि यह रहस्य विजय के अलावा डेविड भी जानता है। और फिर डेविड भागता हुआ अपने घर पर पहुंचता है लेकिन पुलिस भी उसका पीछा करते करते उसके घर पर आ जाती है और फिर वो डेविड को पकड़कर जेल में जमा कर देती है। उसके बाद हमें कहानी को 7 साल आगे दिखाया जाता है जहां पर हमें विजय की पूरी फैमिली को दिखाया जाता है। यहां पर विजय की फैमिली अभी भी उस घटना को भूलने की कोशिश कर रही है जबकि उस घटना को बीते हुए पूरे 7 साल हो चुके हैं। लेकिन विजय की फैमिली को अभी भी डर है कि सैम की बॉडी पुलिस वालों को कहीं मिल ना जाए क्योंकि पुलिस वाले कभी ना कभी सैम की बॉडी को ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं खुदाई करते रहते हैं। और इन्हीं सबको लेकर अंजू को भी सोते वक्त सपने आते रहते हैं इसलिए उसे कभी भी दोहरा पड़ता रहता है। तो विजय का परिवार आज भी सदमे में है और इसी वजह से विजय का परिवार सोसाइटी से दूर रहना ही पसंद करता है। लेकिन विजय इस बीच ऑपरेटर से एक थिएटर मालिक बन जाता है और फिल्म को लेकर एडिक्टेड विजय अब एक फिल्म को प्रोड्यूस करना चाहता है और फिल्म की कहानी को लेकर उसकी मुलाकात एक डायरेक्टर से होती है और विजय ने अपनी फिल्म की कहानी भी खुद से ही लिखी होती है। लेकिन विजय अपनी इस खुद की लिखी कहानी के क्लाइमेक्स से खुश नहीं होता है इसलिए वो डायरेक्टर से मिलने के लिए आया होता है और क्लाइमेक्स के बारे में डिस्कस करने लगते है। साथ ही वो डायरेक्टर से कहता है कि हमें अपनी फिल्म के क्लाइमेक्स पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, इसलिए वो क्लाइमेक्स को फिर से लिखने का प्लान बनाते है। इसके बाद हम गातोंडे को देखते है जो की पूरे 7 साल सस्पेंड है। यहाँ पर गातोंडे के पास आईजी सर का कॉल आता है और फिर वो तुरंत ही गातोंडे को अपने घर पर बुला लेते हैं। दरअसल आईजी सर विजय का केस रीओपन करने वाले होते हैं और उसी वक्त एंट्री होती है आईजी सर की, यानी कि तरुण अहलावत की, जो कि 7 साल पुराने केस को रीओपन करने वाले होते हैं। और गातोंडे को आईजी सर ने इसलिए बुलाया है कि गातोंडे ही वो इंसान है जिसे कि इस केस के बारे में पूरी जानकारी है। तभी वहाँ पर मीरा भी आ जाती है जो कि लंदन से वापस आ चुकी होती है क्योंकि मीरा को पूरा पता है कि ये सब कुछ विजय ने ही किया है लेकिन उनके पास कोई सबूत ना होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पर फिलहाल उन्हें एक नई उम्मीद मिली है जिसमें कि तरुण अहलावत यानी कि आईजी साहब उसकी मदद करने वाले हैं और ये बात पूरे शहर में फैल चुकी थी कि विजय का केस रीओपन हो चुका है। आगे हमें देखने को मिलता है कि विजय के पड़ोस में शिव और जेनी नाम के पति पत्नी रहते है। वो दोनों आपस में बहुत झगड़ते रहते है क्योंकि शिव कभी कभी शराब पीकर आता है और वो जेनी को बहुत मारता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये लोग विजय के पड़ोसी नहीं बल्कि पुलिस वाले है जो कि विजय की फैमिली पर नजर रख रहे थे। साथ ही इन्होंने विजय के पूरे घर में माइक्रोफोन लगा के रखे थे ताकि वो विजय की फैमिली की हर एक बात को सुन सके। लेकिन विजय की फैमिली ऐसी कोई भी बात नहीं करती है जिससे कि पुलिस वालों को ये लगे कि सैम की बॉडी कहाँ है। दरअसल सैम की बॉडी के बारे में केवल विजय को ही पता है लेकिन विजय की फैमिली भी ये जानना चाहती है कि सैम की बॉडी कहाँ है। लेकिन विजय अपनी फैमिली को कुछ नहीं बताता है और विजय इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता है। अब यहाँ पर पुलिस 7 साल की पहले की इन्वेस्टिगेशन को फिर से शुरू कर देती है और वो ये सब पता लगाने की कोशिश करती है कि विजय को उस रात 2 अक्टूबर को किस किसने देखा था। अब क्योंकि विजय 2 अक्टूबर को सुबह 5 बजे पणजी निकल गया था, यानी कि विजय ने बॉडी को 1 से 4 बजे के बीच में ही दफनाया होगा और उस बॉडी को केवल 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर ही दफनाया होगा, इसलिए पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते है लेकिन उन्हें ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगता है। इसके बाद आईजी सर 5 लाख रुपए का इनाम रखते हुए कहने लगते है कि जो भी हमें विजय के बारे में जानकारी देगा हम उसे 5 लाख रुपए का इनाम देंगे। अब आगे हम पुलिस स्टेशन के सामने लगी चाय नाश्ते की दुकान को देखते हैं। वहाँ पर अक्सर लोग चाय पीने के लिए आते हैं और विजय के केस के बारे में बात करते रहते हैं। इसके साथ ही हमें डेविड भी देखने को मिलता है जो कि मर्डर के केस में 7 साल की सजा काटने के बाद अब जेल से बाहर आ चुका था और डेविड ही वो आदमी है जिसने कि विजय को उस रात को हाथ में पावड़ा पकड़े हुए देखा था। अब अगले सीन में हम आईजी सर को देखते है जो की विजय के गार्डन में था। इसके बाद वो विजय के घर में घुस जाता है जहाँ पर विजय तो नहीं होता है लेकिन उसकी पूरी फैमिली मौजूद होती है। यहाँ पर विजय की फैमिली आईजी सर को देख कर काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि विजय की फैमिली कभी कभी पुलिस वालों को देखकर डरने लगती है और कहीं ना कहीं आईजी सर ने भी विजय की फैमिली पर यह डर देख लिया था कि विजय की फैमिली जरूर हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। और जब डेविड को उस 5 लाख के इनाम और विजय के इस केस के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही पुलिस वालों के पास चला जाता है और यहाँ पर फिर डेविड पुलिस वालों को कहने लगता है कि मुझे कन्फर्म मालूम है कि विजय ने उस बॉडी को कहाँ पर दफनाया है। पुलिस वालों को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। इसके बाद डेविड अपने बारे में बताता है कि कैसे मेरे हाथों से 2
अक्टूबर की रात को एक मर्डर हो गया था। और मैं जब पुलिस से बचने के लिए भाग रहा था तो मैंने विजय को करीब 3 बजे के आसपास उस बॉडी को दफनाते हुए देखा था। अब ये सारी बातें सुनने के बाद पुलिस वालों को भी डेविड के ऊपर यकीन हो जाता है कि वो सच बोल रहा है। लेकिन पुलिस वालों ने सिर्फ 5 लाख रुपए का ही इनाम रखा था, पर यहाँ पर डेविड उनसे 25 लाख रुपए मांगता है और कहने लगता है कि अगर मैं ये सारी बातें विजय को बताता तो विजय मुझे मुंह बंद करवाने के लिए काफी सारे पैसे देता, लेकिन मैंने आपकी मदद की इसलिए आपको मुझे 25 लाख रुपए तो देने ही होंगे। फिर पुलिस ना चाहते हुए भी डेविड को किसी तरह से 25 लाख रुपए दे देती है। तब डेविड आईजी सर को बताता है कि जहां पर आप खड़े हो वहीं पर उस बॉडी को दफनाया गया है, यानी कि पुलिस स्टेशन में ही उस बॉडी को दफनाया गया है। साथ ही पुलिस वालों को यहां पर एक और बात पता चलती है कि 7 साल पहले इस पुलिस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और इसी का फायदा उठाते हुए विजय ने उस पुलिस स्टेशन में ही बॉडी को दफना दिया था। और पुलिस वाले अब ज्यादा देर ना करते हुए उस बॉडी को निकालने में लग जाते हैं। वो उस फ्लोर को खोदना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वो पुलिस वाले उस पुलिस स्टेशन को पूरी तरह से कवर से ढक देते हैं ताकि उन्हें कोई भी देख ना पाए। लेकिन विजय को इसके बारे में पता चल जाता है क्योंकि उस पुलिस स्टेशन के सामने ही विजय का भी ऑफिस होता है और विजय ने अपने ऑफिस के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा कर रखा था जिससे कि विजय ये सब कुछ देख पा रहा था। लेकिन विजय भी ये सब कुछ देखने के बाद डरने लगता है और फिर उसे लगने लगता है कि वो कहीं पकड़ा ना जाए, क्योंकि विजय अपने राज को लेकर काफी कॉन्फिडेंट था। इसके बाद यहाँ पर पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन के अंदर वो बॉडी मिल जाती है। अब क्योंकि 7 साल हो चुके थे इसलिए उस बॉडी की स्केल्टन ही उन्हें मिल पाती है और फिर पुलिस वालों को कोर्ट से 8 घंटे की पूछताछ करने के लिए ऑर्डर भी मिलता है। और इसके अगले ही दिन वो लोग विजय की फैमिली से पूछताछ करने लगते हैं, जहां पर आईजी सर और मीरा देशमुख दोनों मौजूद होते हैं। आईजी सर यहां पर विजय को सारी बातें बताते हैं कि उस रात 2 अक्टूबर को डेविड नाम के एक आदमी ने तुम्हें देख लिया था, लेकिन यहां पर विजय साफ मना कर देता है। और फिर विजय कहता है कि उस आदमी ने वहां पर किसी और को देखा होगा या फिर वो आदमी झूठ बोल रहा होगा। फिर आईजी सर विजय से काफी सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन विजय अपने बयान पर अड़ा हुआ था। अब क्योंकि विजय नहीं बता रहा था इसलिए आईजी सर दूसरी तरकीब अपनाते हैं। फिर वो लोग विजय की पूरी फैमिली को एक दूसरे कमरे में ले जाकर मारने लगते हैं। अब गायतोंडे मीरा के आदेश पर विजय की फैमिली को मारना शुरू कर देता है। विजय ये सब सामने वाले कमरे से देख पा रहा था और जब गायतोंडे विजय की फैमिली को मार रहा था तो विजय आईजी सर से उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन आईजी सर यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलते है क्योंकि उन्हें मालूम है कि विजय का मुंह खुलवाने का यही एक तरीका है। इसके बाद आखिर में आईजी सर की ही जीत होती है क्योंकि विजय अपनी फैमिली को बचाने के लिए सब कुछ सच सच बताने के लिए तैयार हो जाता है। तब विजय के सामने कैमरा रखा जाता है क्योंकि पुलिस विजय की उन सभी बातों को रिकॉर्ड कर सके। फिर विजय बताता है कि 2 अक्टूबर की रात को मैं अपने ऑफिस में था और वहां पर मैं शराब पी रहा था। शराब पीने के बाद मैं जब अपने घर पर लौटा तो मुझे अपने घर का दरवाजा खुला हुआ मिला था और जब मैं घर के अंदर घुसा तो मेरे ऊपर अचानक से किसी ने अटैक कर दिया। तब हमारे बीच में झड़प होती है और इसी झड़प में एक सरिये से उस आदमी के सर पर वार हो जाता है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद विजय बताता है कि जब मैंने उस आदमी को गलती से मार दिया था तो तब मैं बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए मैंने उसे इस पुलिस स्टेशन में दफना दिया था और मैं इस तरह से ही अपने आप को बचा सकता था, इसलिए मैंने उसे इस पुलिस स्टेशन में दफनाया था और इसके बारे में मैंने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया था। अब क्योंकि विजय पकड़ा गया था इसलिए उसने पूरा का पूरा इंजाम अपने सर पर ले लिया था ताकि वो अपनी फैमिली को बचा पाए। उसके बाद विजय और उसकी फैमिली को छोड़ दिया जाता है। फिर वो घर पर जाते हैं तब विजय की फैमिली पूरी तरह से दुखी हो जाती है क्योंकि विजय ने सारा का सारा इंजाम अपने सर पर ही ले लिया था। अब इसके अगले ही दिन विजय को कोर्ट में ले जाया जाता है जहां पर 8 पुलिस वालों को विजय की पूरी कस्टडी मिलती है। इसलिए गायतोंडे विजय को अपने घर से कोर्ट में ले जाता है और यहां पर आईजी सर खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने विजय के इस केस को सॉल्व कर दिया है। और यहीं पर मीरा देशमुख भी होती है, तभी यहां पर एक आदमी आता है जो कि आईजी सर से विजय के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता है, बल्कि विजय की ही फिल्म का डायरेक्टर होता है जो कि उन पुलिस वालों से कहता है कि शायद विजय को पहचानने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। फिर वो कहने लगता है कि मेरी मुलाकात विजय से 2016 में हुई थी जहां पर वो एक फिल्म बनाने के लिए मुझसे बातें कर रहा था और फिर उसने कहा था कि मैं इस फिल्म की कहानी भी खुद ही लिखूंगा और प्रोड्यूस भी मैं ही करूंगा। तब हम दोनों ने तय किया कि इस फिल्म की कहानी को हम दोनों मिलकर लिखेंगे। उसके बाद फिल्म की कहानी लगभग कंप्लीट हो ही चुकी थी लेकिन हम दोनों क्लाइमेक्स में जाकर अटक जाते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्टर तरुण यानी कि आईजी सर और मीरा देशमुख को उनकी लिखी हुई कहानी सुनाता है, लेकिन वो कहानी विजय की एक बायोपिक है और उसने सेम के साथ जो कुछ भी किया वो सब विजय ने अपनी उस फिल्म की कहानी में लिखा था। और अब क्योंकि विजय को इस स्टोरी के कॉपीराइट्स का डर था, इस वजह से उसने एक किताब भी पब्लिश करवा दी थी और डायरेक्टर आईजी सर को यही बात बताने आया था कि वो बुक मेरे नाम से पब्लिश की गई है। अब आगे यहाँ डायरेक्टर और भी कुछ बताने लगता है, लेकिन तभी आईजी सर के पास गायतोंडे का कॉल आता है और फिर यहाँ पर पता चलता है कि कोर्ट में पासा पलट चुका है। दरअसल कोर्ट में उस केस के बारे में बात की जा रही थी। अब विजय
विजय से पूछा जाता है कि क्या यह सच है जो तुमने इस वीडियो में बताया है। तो विजय यहाँ पर साफ साफ मना कर देता है और कहने लगता है कि पुलिस वालों ने जोर जबरदस्ती करके मुझसे यह कन्फेशन रिकॉर्ड करवाया है। साथ ही विजय की वकील दत्त साहब से कहती है कि पुलिस वालों की यह सोची समझी चाल है, क्योंकि जो कुछ भी कन्फेशन करवाया गया था वो सब एक नोबेल से उठाया गया है। और उस नोबेल को पढ़ने के बाद दत्त साहब को भी विश्वास हो जाता है कि यह सब कुछ पुलिस वालों की सोची समझी चाल है। अब इस तरफ वो नोबेल वही थी जो कि विजय ने उस डायरेक्टर के नाम से पब्लिश करवाई थी। अब इस तरफ डायरेक्टर आईजी सर को क्लाइमेक्स के बारे में बताता है और वो कहता है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट समाप्त होने के बाद विजय एक बार फिर से मेरे घर पर आया था, जहां पर आने के बाद उसने कहा था कि क्लाइमेक्स की स्टोरी मुझे थोड़ी पसंद नहीं आ रही है। और उसने डायरेक्टर से कहा था कि अगर मान लो कि पुलिस वालों को उनकी बॉडी मिल जाती है तो आगे वो क्या करेंगे। इसके आगे डायरेक्टर कुछ बताता है, तभी गायतोंडे का फिर से आईजी सर के ऊपर कॉल आता है और यहाँ पर बाजी पूरी तरह से पलट चुकी थी, क्योंकि कोर्ट में जो डीएनए सैंपल दिए गए हैं वो सेम की बॉडी से मैच नहीं हो पा रहे हैं, जिससे कि ये साबित होता है कि पुलिस स्टेशन में जिस बॉडी के स्केल्टन मिले थे वो सेम के नहीं थे बल्कि किसी और व्यक्ति के थे। और इस तरफ आईजी सर उस डायरेक्टर से ये जानना चाहते थे कि आखिर उस फिल्म का क्लाइमेक्स क्या था। तब डायरेक्टर उसे बताता है कि हीरो को पता था कि पुलिस वालों को वो बॉडी एक ना एक दिन मिल जाएगी, इसलिए हीरो ने पहले से ही इन सब की प्लानिंग कर रखी थी। तो विजय ने सेम की बॉडी को पुलिस स्टेशन के नीचे दफनाया तो जरूर था, लेकिन तब से ही विजय सेम की बॉडी की जितनी हाइट और उसके जितनी एज की डेड बॉडी को ढूंढ रहा था। तब विजय की मुलाकात एक आदमी से हुई थी जो कि चर्च में काम करता है और उसी के साइड में लोगों की डेड बॉडी को भी दफनाया जाता है, और वहीं पर विजय की यह तलाश भी समाप्त हो चुकी थी। और फिर विजय उस चर्च वाले आदमी को पैसे देकर उसकी मदद करता है, जिसके बदले में वो आदमी विजय को उस लड़के के स्केल्टन को दे देता है। इसके बाद ये स्केल्टन सिर्फ बदलने ही थे, और जहां पर डीएनए के स्केल्टन की रिपोर्ट चेक की जाती है वो दिन में ही चेक की जाती है। और फिर विजय ने इस मौके का फायदा उठाते हुए सेम के स्केल्टन को बदल देता है, और फिर सेम की बॉडी के स्केल्टन को विजय आग लगाकर जला देता है। इस तरह से विजय सेम की बॉडी के स्केल्टन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। बड़ा चालू आदमी है ये विजय। इसके बाद विजय के खिलाफ कोई भी सबूत न मिलने की वजह से कोर्ट विजय को बाइज्जत बरी कर देता है, और एक बार फिर से विजय की जीत होती है। इसी के साथ हो जाती है इस फिल्म की भी एंडिंग। सो गाइस, आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।